हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक। तो भाई, जब से फोर्ड इंडिया को छोड़कर गई है, तब से एंडिवर को चाहने वाले काफी डिसअपॉइंट है, क्योंकि जिन लोगों को एंडिवर पसंद होती है उनको फॉर्च्यूनर भी पसंद नहीं आती। उन्हें एंडिवर के आगे कोई प्रीमियम गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती। और मैं तो एक ऐसे कस्टमर से भी मिला हूँ जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा देकर सेकेंड हैंड एंडिवर परचेज की है। तो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोर्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर गाड़ी एंडिवर थी, तो फोर्ड के चले जाने के बाद लोगों की एंडिवर की वापसी के लिए काफी डिमांड आ रही है। लोग चाहते हैं कि एंडिवर फिर से इंडिया में वापस आ जाए। तो लोगों की बात कंपनी ने सुन ली है और फोर्ड वाले एंडिवर को इंडिया में फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और पुरानी वाली एंडिवर इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश नेक्स्ट जनरेशन एंडिवर इंडिया में लॉन्च होगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन एंडिवर को टेस्ट करते हुए एक बार फिर से स्पॉट किया गया है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एंडिवर फिर से इंडिया में आने वाली है। और सबसे खास बात, नॉर्मल एंडिवर इंडिया में नहीं आएगी, सीबीयू वाली एंडिवर इंडिया में आएगी। सीबीयू मतलब कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट। सीबीयू गाड़ियां डायरेक्ट इम्पोर्ट होकर आती है, मतलब यहां आकर इनमें कोई भी पार्ट असेंबल नहीं किया जाता, पूरी की पूरी गाड़ी पहले से ही तैयार होकर आती है। और एंडिवर भी सीबीयू यूनिट में ही आएगी। तो एंडिवर सीबीयू होगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि सीबीयू वाली एंडिवर का प्राइस लगभग 45 से 50 लाख के बीच में होगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्ट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। खैर, ये 60 लाख की भी हो जाए, इसके चाहने वाले तो इसे फिर भी खरीदेंगे। तो भाई, बस यही बताना था कि ये एंडिवर फिर से इंडिया में आने वाली है। तो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।